लास्ट लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे कि द बेसिक रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं सारी चीज़ें कि हमारा सेलुलोज की अगर हम बात करेंगे या हेमी सेलुलोज की करेंगे या लिग्निन की करेंगे, ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसी भी प्लांट का, जो कि प्लांट बायोमास में पाया जाता है जिसको डिग्रेड करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सीधे सीधे तुम कह सकते हो, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स वगैरह को, तो जो बायोमास होता है उसमें ये सारी चीज़ें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, जो भी हमारा बायोमास है फूड एंड, उसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिसमें सेलुलोज हमने बताया था कि सेलुलोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, सेलुलोज जो होगा वो ऑलमोस्ट तुम्हारा जो होता है वो ऑलमोस्ट 45% होता है उस बायोमास में, या अगर इसको कहा जाए सेलुलोज को, तो इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट्स हो गया या एल्गी हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट होता है सेलुलोज। उसके बाद हमारा होता है हेमी सेलुलोज, जो इससे कम क्वांटिटी में होता है, सेलुलोज से कम क्वांटिटी में होता है। इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट 25 to 30% होती है हेमी सेलुलोज की। ठीक है, मींस इट इज द 25 to 30% ऑफ द टोटल ड्राई वेट। ठीक है, लिग्निन जो होता है वो सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है तुम्हारे प्लांट सेल वॉल का। ठीक है, लिग्निन की अगर बात करी जाएगी तो इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स का एक ग्रुप होता है, जो बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मौजूद होता है। इट इज़ हेल्ड विद ये अपने दोनों भाई जो इसके हेमी सेलुलोज हैं और सेलुलोज हैं, ये इनके साथ ही होगा। मतलब ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं प्लांट में, प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैंने बताया था सेलुलोज डिग्रेडेशन की बात करी जाए, तो डिग्रेडेशन से पहले आता है कि सेलुलोज किस चीज से मिलकर के बना होता है। तो एक तरीके से रिपीटिंग यूनिट्स होती है सेलुलोज की, डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब जुड़ेंगी तो जाहिर है कोई ना कोई बॉन्ड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इन केस ऑफ ये एक तरीके का तुम्हारा सैकराइड है, तो यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपस में इन यूनिट्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, और ये पूरी यूनिट्स मिल करके सेलुलोज बनाती है। ठीक है, या एक तरीके से कह लो कि ये जो लीनियर चेन होती है, ठीक है, लीनियर चेन होती है। इससे पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर शुगर एक यूनिट है तो उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं, फिर डाइसेक्राइड कहते हैं, फिर ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं या पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द यूनिट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स आर कनेक्टेड इन दैट स्पेसिफिक सेक्राइड। ठीक है, हम इसको फर्दर कैटेगराइज किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी एक लीनियर यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ जो बेसिक यूनिट्स हैं ग्लूकोज की वो जुड़ी हुई हैं आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक फॉर्म से। ठीक है, अब इसकी जो सब यूनिट्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं सेलुलोज की सब यूनिट्स, इनको हम लोग बोलते हैं सेलोबायोज।
ठीक है, तो एक तरीके से अगर इसका कंपोजिशन बताया जाए तो लीनियर चेन्स होती हैं, एलिमेंटल फाइब्रिल्स होती हैं, माइक्रो फाइब्रिल्स एंड मैक्रो फाइब्रिल्स। ठीक, तो अगर ग्लूकोज डिग्रेडेशन की हम लोग बात करेंगे, जस्ट लाइक इन केस ऑफ बायो रेमेडिएशन, हम लोगों ने माइक्रोब्स का यूज किया था डिग्रेड करने के लिए, हमारे जो टॉक्सिक टॉक्सिन्स थे उनको लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स में बदलने के लिए। तो यहां पे हम प्लांट बायोमास की जब बात कर रहे हैं, तो प्लांट बायोमास में अगर हमें डिग्रेड करना है सेलुलोज को, सबसे पहली चीज सेलुलोज से लेकर के चलते हैं, अगर सेलुलोज को डिग्रेड करना है, ये हमारी लीनियर चेन है सेलुलोज की, तो अगर इसको डिग्रेड करना है तो हमें सबसे पहले इसके बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ की इंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ दिस सेलुलोज। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ की इंजाइम्स आर इन्वॉल्व फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज। सबसे पहली इसमें जो होती है एंडो ग्लूकानेजेस होती हैं, एंडो ग्लूकानेजेस। दूसरे नंबर पे जो एंजाइम है वो सेलो बायो हाइड्रोलेजेस, CBHB जिसको बोलते हैं, इसको EG बोलते हैं। ठीक है, लास्ट बीटा ग्लूकोसिडेज, ये तीन एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं सेलुलोज डिग्रेडेशन के लिए। अब एंडोग्लूकानेजेस का काम क्या है? इट हैज द कैपेबिलिटी, एंडोग्लूकानेजेस हैज द कैपेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज सब यूनिट्स, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करने का काम ये एंडो ग्लूकानेजेस करेंगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस में, इस ब्रेक करने के प्रोसेस में न्यू टर्मिनल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, एंड दीज एंडो ग्लूकानेजेस वी कैन से दैट कि दे आर इफेक्टिव इन केस ऑफ एमॉर्फस सेलुलोज। ठीक है, एमॉर्फस सेलुलोज। अब अगर हम लोग बात करें सेलो बायो हाइड्रोलाइसिस के बारे में, तो बेसिकली इसमें ये एमॉर्फस सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए होती है, और इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि दे आर नॉट कैपेबिलिटी, दे आर नॉन कैपेबल टू डिग्रेड द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, क्रिस्टलाइन को नहीं डिग्रेड कर पाती है, तो यहां पे रोल आता है CBH का, सेलो बायो हाइड्रोलाइसिस का। ठीक है, तो सेलो बायो हाइड्रोलाइसिस आर कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग द क्रिस्टलाइन सेलुलोज, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेलुलोज एफिशिएंटली। ठीक है, सिमिलरली जस्ट लाइक इन केस ऑफ एंडो ग्लूकानेजेस दे ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू क्लीव बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, एंड दे आर कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग बोथ फॉर्म्स ऑफ सेलुलोज। ये क्या करेंगी, क्रिस्टलाइन को भी डिग्रेड कर सकते हैं और एमॉर्फस को भी डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन को भी डिग्रेड कर सकते हैं और एमॉर्फस
को भी डिग्रेड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंजाइम, दैट इज बीटा ग्लूकोसिडेज। ये की एंजाइम्स होती हैं कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी सेलुलोज की सब यूनिट्स थी, सेलो बायोज, अभी मैंने बताया, इनको कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारा ग्लूकोज में, ठीक है, इनको सिंपली इनकी जो मोनोमर यूनिट है इनमें कन्वर्ट करने के लिए। ये मैंने बताया था कि जो सेलुलोज होता है वो लीनियर चेन होती है, इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं इसको बोलते हैं सेलोबायोज, और इसको फर्दर तोड़ने का काम करती हैं तुम्हारी बीटा ग्लूकोसिडेज, जिससे कि ये एक एक यूनिट्स में टूट सके। तो यही टूटना जो है इसी को हम लोग डिग्रेडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये डिग्रेडेशन होता है, सेलुलोज का डिग्रेडेशन की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से हो सकता है, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी, ठीक है। इट इज बेसिकली यूज फॉर, सॉरी, 80 to 90% ऑफ डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एरोबिक डिग्रेडेशन में, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल हमने तुम्हारा बायोमिथिनेशन वगैरह में बताया था, या बायोरेमेडिएशन में बताया था, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक पार्टिकल को तोड़ रहे हैं बीच से, तो वो कोई बाई प्रोडक्ट या कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट वो जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब एरोबिक डाइजेशन होता है, एरोबिक डिग्रेडेशन होता है सेलुलोज का, तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेशली इन केस ऑफ एरोबिक डिग्रेडेशन, जैसे सेलुलो मोनाज हो गए या स्यूडो मोनाज हो गए या स्ट्रेप्टो माइसीज हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ हमारे कुछ माइक्रोब्स हैं जो एरोबिक डाइजेशन के लिए, सॉरी, एरोबिक डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। एन एरोबिक डिग्रेडेशन बेसिकली 5 to 10% जो होता है वो एन एरोबिक डिग्रेडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एन एरोबिक मैकेनिज्म। ठीक है, एन एरोबिक मैकेनिज्म से 5 to 10% जो होता है, 5 to 10% जो डिग्रेडेशन होता है वो ये एन एरोबिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें पिछले वाले में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था, यहां पे जो एन प्रोडक्ट होगा, चूंकि ये एन एरोबिक फॉर्म है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा या मीथेन भी होता है, एंड वाटर होगा। ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं एन एरोबिक डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब्स विच आर यूजिंग द एन एरोबिक मैकेनिज्म इज क्लॉस्ट्रीडियम, थर्मोसिलम, ठीक है। ये एन एरोबिक मैकेनिज्म यूज करता है। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना, क्योंकि नेक्स्ट हेमिसेलुलोज टॉपिक पे हम लोग बढ़ने वाले हैं, तो सेलुलोज जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं डी ग्लूकोज की, दूसरा कोई चीज इनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, दूसरा कोई सैकराइड का फॉर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू हेमी सेलुलोज, जो हमने बताया था कि जो बायोमास होता है उसमें 25 to 30% होता है ऑफ द टोटल ड्राई वेट। तो हेमी सेलुलोज की अगर बात करी जाए तो इसमें कई सारी मोनोमरिक यूनिट्स होती हैं हेमी सेलुलोज में, अनलाइक सेलुलोज। जैसे सेलुलोज में मैंने बताया था कि डी ग्लूकोज होती है, इसमें तुम्हारा डी जाइलोज होगा,
डी जाइलोज होगा, डी मैनोज होगा, डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज, एल एराबिनोज, फोर ओ मिथाइल ग्लूक्रोनिक एसिड। ठीक है, या डी ग्लूकोरॉनिक एसिड। ठीक है, ये सारे कुछ हमारी मोनोमरिक यूनिट्स हैं जो हमारे हेमीसेलुलोज के कंपोजिशन में होती हैं, अनलाइक इन केस ऑफ तुम्हारा जो सेलुलोज था, सेलुलोज में सिर्फ डी ग्लूकोज था, इसमें ये सारी मोनोमरिक यूनिट्स हैं। अब मोनोमरिक यूनिट्स आपस में जुड़ी हैं तो किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़ी होंगी, तो इसमें भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है वो प्रीडोमिनेट करता है, मतलब ज्यादातर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। लेकिन यहां पे एक और तरीके की लिंकेज भी पाई जाती है, बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसमें जो पॉलीसेक्राइड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें तुम्हारा ग्लूकोज, जाइलोज, मैनोज, रैमेनोज एंड एराबिनोज, ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिंपल टर्म में इसको कह सकते हो कि ये इन्वॉल्व होते हैं, ये मिलकर के एक चेन बनाते हैं। ठीक है, तो हेमीसेलुलोज इट इज प्रेजेंट अलोंग विद द सेलुलोज इन प्लांट्स। हेमीसेलुलोज तो होगा प्लस सेलुलोज भी होगा, हालांकि हेमीसेलुलोज जो होता है वो सिर्फ 25-30% होता है, सेलुलोज जो होता है वो 40% के या 45% के अबव होता है। ठीक है, तो ये जो अगर हम हेमीसेलुलोज की बात करेंगे तो इट इज लेस रेजिस्टेंट टू बायो डिग्रेडेशन। लेस रेजिस्टेंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट कैन इजिली बी हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट एसिड और बेस एज वेल एज लार्ज ग्रुप ऑफ विद द हेल्प ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ हेमीसेलुलोज एंजाइम्स, इजिली हाइड्रोलाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिड या बेस हो गया या हेमी सेलुलेज एंजाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा हेमी सेलुलोज डिग्रेडेशन हो गया, या हेमी सेलुलोज का कंपोजिशन, कंपोजिशन की हम बात करें ये हो गया। तो बेसिक अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो जस्ट लाइक इन केस ऑफ सेलुलोज वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं हेमीसेलुलोज डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, जैसे कुछ साइलान हो गई या ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंडो 1,4 बीटा जाइलनेज, या 1,4 बीटा जाइलोसिडेज, इसमें हो गई तुम्हारी फेरुलिक एस्टरेजेस,
ज़ाइलान एस्टरेज़, ठीक है, ये हमारी कुछ की एंजाइम्स हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं सेलुलोज हेमी सेलुलोज डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स के नाम अभी हमने बताए हैं, जो ज़ाइलान हैं या ज़ाइलोनेजेस हैं, ठीक है, ज़ाइलानेजेस हैं, तो माइक्रोब्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? वही माइक्रोब्स जो इन की एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, की एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जैसे कि तुम्हारी एंडो ज़ाइलानेज, एसिटाइल ईस्टरेज, अल्फा ग्लूकोरीन निडेज, बीटा ज़ाइलो सिडेज, ठीक है। वही माइक्रोब्स जो इन की एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वही माइक्रोब्स को हम यूटिलाइज करेंगे, उन्हीं को यूटिलाइज करेंगे फॉर द हेमी सेलुलोटिक डिग्रेडेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पर फंगस वगैरह भी यूज होता है, वाइट रॉट फंगस, फैनरोकेट, क्रायोस्पोरियम, एक तरीके का वाइट रॉस फंगस है जो हमारी एंजाइम प्रोड्यूस करता है ज़ाइला नेज, जो एक तरीके से बेसिक एक मेजर एंजाइम है किसके लिए? तुम्हारी हेमीसेलुलोज डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। दूसरे माइक्रोब्स फॉर एग्जांपल तुम्हारे हाइपर थर्मोफिलिक, थर्मोटो गोवा सिक्रीट्स, थर्मोस्टेबल ज़ाइलानेसेस, ठीक है। ये कुछ की एंजाइम्स हैं जो बाकी नोट्स देंगे, नोट्स में तुम लोग देख लेना, नोट्स में दिए हैं दूसरे एग्जांपल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हेमीसेलुलोज के डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब हमारी पहली बात हो गई सेलुलोज की, उसके डिग्रेडेशन की। नेक्स्ट इज हेमीसेलुलोज, उसके डिग्रेडेशन की। नेक्स्ट इज तुम्हारा लिग्निन, जो सबसे ज्यादा कम क्वांटिटी में होता है। आवाज आ रही मेरी? यस यस सर, सर। ठीक है। तो लिग्निन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, टॉकिंग अबाउट लिग्निन, लिग्निन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिग्निन क्रॉस लिंक्स क्रॉस लिंकिंग डिफरेंट प्लांट पॉलीसेकेराइड्स। बेसिकली जो प्लांट्स की पॉलीसेकेराइड्स होती है उनकी क्रॉस लिंकिंग के लिए लिग्निन जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो अगर हम इसके फीचर की बात करी जाए करें इसके इसके जो इसकी अकरेंस की बात करें, तो इट इज अ टेस्टलेस इनसॉल्युबल फाइब्रस एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। ठीक है, टेस्टलेस इनसॉल्युबल फाइब्रस एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। या इट इज ऑल्सो एन एमॉर्फस हेट्रो पॉलीमर। हेट्रो पॉलीमर मीन्स जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हों। होमोपॉलीमर का मतलब होता है जिसमें एक ही जैसी यूनिट्स लगी हों, तो हेट्रो पॉलीमर होता है एमॉर्फस हेट्रो पॉलीमर।
ठीक है, नाउ कमिंग टू इट्स रोल, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इम्परमिएबिलिटी, माइक्रोबियल अटैक रेजिस्टेंस, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया हमारा एक प्रॉपर कंपोजिशन जो लिग्निन का होता है। लिग्निन का जो कंपोजिशन होता है प्रॉपर कंपोजिशन है। अब अगर डिग्रेडेशन ऑफ लिग्निन की बात करेंगे तो सिमिलरली जस्ट लाइक इन केस ऑफ सेलुलोज एज वेल एज इन हेमी सेलुलोज, ठीक है, लिग्नो लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है एक तरीके से ब्रेकडाउन समझ लो, तो लिग्नो लाइसिस कहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ पेरोक्सीडेजेस एंड लैकेजेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लिग्नोलाइसिस, जो तुम्हारी जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरोक्सीडेजेस होती हैं या लैकेजेस होती हैं। यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी की एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं तुम्हारे डिग्रेडेशन के लिए या लिग्नोलाइसिस के लिए। ठीक है, तो पेरोक्सीडेजेस की अगर हम बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल लिग्निन पेरोक्सीडेज हो गई, मैग्नीज डिपेंडेंट पेरोक्सीडेज हो गई, वर्सेटाइल पेरोक्सीडेज, स्पेलिंग अपने हिसाब से देख लेना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बस, या डाई डी कोलराइजिंग पेरोक्सीडेज। ठीक है, ये हमारा लिग्नोलाइसिस हो गया और कौन कौन सी एंजाइम्स हैं वो लिग्निन के डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। नाउ कमिंग टू द माइक्रोब्स, आई एम गिविंग यू द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोब्स, जस्ट लाइक वाइट रॉट फंजाई। ठीक है, पार्टिकुलरली तुम्हारा जो फेनेरो केट क्रायोस्पोरियम, ये दिस इज अ वाइट रॉट फंजाई विच इज कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग वुड लिग्निन एफिशिएंटली। ठीक है, दूसरे माइक्रोब्स जैसे फॉर एग्जांपल हैं एस्परजिलस हो गए या माइसीलियो फोरा थर्मोफिला। ठीक, दीज बेसिकली नंबर ऑफ अदर माइक्रोब्स आर ऑल्सो देयर बट दीज टू आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर आइसोलेटिंग या आइसोलेशन ऑफ लिग्नोलिटिक एंजाइम्स, आइसोलेट कर लिया जाता है इनसे वो एंजाइम्स जो लिग्निन के डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिनोबैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन लिग्निन। ठीक, तो अभी जो एक पूरा सार जो मैंने पढ़ाया, जो बताया कि कौन कौन सी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट,
फिर से एक डायग्राम तुम लोग के लिए बना दे रहा हूँ। प्लांट सेल वॉल बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल। यहां पे भी तुम्हारे बैक्टीरियाज एंड फंजाइज आर देयर फॉर डिग्रेडेशन पर्पस, यहां पे भी बैक्टीरियाज एंड फंजाई आर देयर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स दूंगा, उसमें सारे बैक्टीरिया सारे फंजाई के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक हो गया हमारा लिग्निन या सेलुलोज या हेमी सेलुलोज का डिग्रेडेशन प्रोसेस। हालांकि लिग्निन जो होता है वो सारे प्लांट के जो स्पीशीज हैं उसमें उसका कंपोजिशन, लिग्निन का कंपोजिशन अलग अलग होता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, एक मिनट बता रहा हूं। ठीक है, चलो बस इतना तुम्हारा जो लिग्निन का और जो सेलुलोज का डिग्रेडेशन प्रोसेस है ये इतना इतना बहुत है इसके लिए फिलहाल के लिए। और दूसरी चीज ये है कि जो तुम्हारा यूनिट्स पढ़ लेना कि सेलुलोज के जो यूनिट्स होते हैं जैसे फाइब्रिल्स, माइक्रो फाइब्रिल्स, मैक्रो फाइब्रिल्स, हमने बताए थे किस तरीके से सेलोबायोज बनाते हैं, सेलोबायोज के बाद तुम्हारा सेलुलोज बनता है, मतलब जो बेसिक कंपोजिशन यूनिट्स हैं वो कौन सी है। ठीक है, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही।